ये कहानी पहली नजर के प्यार की है और वो भी भारत पर 49 साल तक शासन करने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब की। उस समय शाहजहां भारत के बादशाह थे और उनके पुत्र शहजादे औरंगजेब 35 वर्ष के थे। औरंगजेब दूसरी बार दक्कन के गवर्नर का पद संभालने के लिए औरंगाबाद बुरहानपुर पहुंचे। यहाँ उनकी मौसी सुहेला बानो रहती थी, जिनका विवाह मीर खलील खान जमान से हुआ था। औरंगजेब उन्हीं से मिलने गए थे और वहां उनके दिल की दुनिया बदल गई। औरंगजेब बुरहानपुर में जैनाबाद के बाग में चहलकदमी कर रहे थे। शहजादे की मौसी भी अपनी दासियों के साथ सैर के लिए आई हुई थी। उनकी दासियों में से एक दासी का जादुई गायकी, शेख अदाओं और खूबसूरती में कोई जवाब नहीं था। सैर करते हुए वो सभी एक पेड़ के नीचे से गुजरी, जिसकी डालियों पर आम लटक रहे थे। जैसे ही वो सब पेड़ के नीचे पहुंची, उस दासी ने ना तो शहजादे का कोई अदब किया और ना ही उनकी मौसी की मौजूदगी का कोई लिहाज रखा। वो बेबाक अंदाज में उछली और एक ऊंची डाली से एक फल तोड़ लिया। शहजादे की मौसी को ये बात बुरी लगी और उन्होंने फटकार लगाई। इस पर दासी ने शहजादे पर गलत अंदाज से नज़र डाली और वहाँ से आगे बढ़ गई। बस ये गलत अंदाज की नज़र कुछ ऐसी क़यामत की थी कि इसने शहजादे को अपनी गिरफ्तार में ले लिया और शहजादे बेचैन हो गए। चूँकि ये उनकी मौसी का घर था, इसीलिए हरम की महिलाओं को उनकी नज़र से दूर रखने के लिए कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया और शहजादे बिना ऐलान के घर में दाखिल हो गए। जैनाबादी, जिनका असली नाम हीराबाई था, ये वही दासी थी जिनको देख शहजादे अपना दिल दे चुके थे। एक पेड़ के नीचे खड़ी अपने दाहिने हाथ से डाली को पकड़े हुए धीरे धीरे गा रही थी। उन्हें देखते ही शहजादे अपने आप काबू नहीं कर पाए और वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये खबर मौसी तक पहुँची तो वो नंगे पैर दौड़ते हुए आई, उन्हें गले से लगा लिया और रोने लगी। जब शहजादे को होश आया तो मौसी ने पूछा, ये क्या बीमारी है? क्या आपके साथ पहले भी कभी ऐसा हुआ है? शहजादे ने कहा कि अगर मैं अपनी बीमारी का जिक्र करूं तो क्या आप इसका इलाज कर सकती हैं? उनकी मौसी ने कहा, तुम इलाज की क्या बात करते हो? मैं आपके इलाज के लिए अपनी जान दे दूंगी। इसके बाद शहजादे ने अपनी पूरी बात बताई। ये सुनकर वह चुप हो गई। आखिरकार शहजादे ने कहा, जब आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रही तो आप इलाज कैसे करेंगी? मौसी ने जवाब दिया, मैं आप पर अपने को कुर्बान कर दूँ। आप उस नीच पति को जानते हैं, वे एक ओंकार आदमी है। हीराबाई के लिए आपकी बात सुनकर पहले उसे फिर मुझे मार डालेगा। उसे ये बताने से कोई फ़ायदा नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल सच कहा, मैं कोई और रणनीति अपनाऊँगा। शहजादे अपने घर वापस आ गए और हीराबाई की याद में खोए हुए थे और अपने विश्वास पात्र मुर्शीद कुली खान से सब बताया। खान ने कहा कि मैं एक बार खाने जमन से बात करता हूँ, और वो खाने जमन से बात करने पहुँच गए और उनको सब बताया। खाने जमन ने एक लालच में हीराबाई को सौंपने का फैसला किया और वो लालच थी चित्रबाई, जो औरंगजेब के हरम में रहती थी। और हीराबाई की मोहब्बत में औरंगजेब ने ये फैसला स्वीकार कर लिया। हीराबाई एक कश्मीरी हिंदू थी जिसे उनके माता पिता ने बाजार में बेच दिया था। वह खाने जमान के यहाँ गाती और नृत्य करती थी। हीराबाई को जैनाबादी महल नाम दिया गया जब वो औरंगजेब के हरम में दाखिल हुई थी। एक बार जैनाबादी ने अपने हाथों से जाम भर कर औरंगजेब को दे दिया और जिद की वह इसे अपने होठों से लगा ले। औरंगजेब मीराबाई की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार थे कि उन्हें हीराबाई के सिवा कुछ नहीं दिखता था और अपना मजहब तक दुआओं पर लगा दिया था। शहजादे जाम को होठों से लगाने जा ही रहे थे कि हीराबाई ने जाम को उनके होठों से खींच लिया और कहा कि उनका मकसद शराब पिलाना नहीं था, बल्कि इश्क का इम्तिहान लेना था। औरंगजेब हीराबाई की मोहब्बत में इस कदर खो गए थे कि वो कुछ समय के लिए नमाज को भी भूल गए थे और उनका दिन संगीत और नृत्य में गुजरता था। जैनाबादी की 1654 में मृत्यु हो गई। जब नृत्यिका की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने कसम खाई
कि वे अब कभी भी शराब नहीं पिएंगे और ना ही संगीत सुनेंगे। बाद के दिनों में कहा जाता है वे अक्सर कहते थे, खुदा ने उस नृतिका की जीवन को समाप्त करके उन पर एक बड़ा एहसान किया था, जिसकी वजह से ऐसी बहुत सी बुराइयों में पड़ गए थे जिनसे उनकी हुकूमत करने की संभावनाओं को भी खतरा हो गया था। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, वैसे ही औरंगजेब भी प्यार में अंधे हो गए थे, अपना मजहब तक कुर्बान कर दिया था।